ब्रह्मचर्य पालन और ध्यान करने से भगवान में विश्वास बढ़ता है, ऐसा मेरा अनुभव, आपका अनुभव है। इसका मतलब जो ग्रेस है, इसने कहा है अपने विचार से, ये लेकिन सार्वभौम नियम नहीं, सार्वभौम नियम नहीं है। भगवान में विश्वास बढ़ेगा संतों का संग करने से, ब्रह्मचर्य पालन करना लाभ है, तन मन शुद्ध होते हैं, सब अच्छा है। लेकिन रही बात भगवान के विश्वास की, भगवान का विश्वास तो संतों का संग करने से बढ़ता है, अर्थात सत्संग सुनने से बढ़ता है, सत्संग से बढ़ता है विश्वास। या कोई ऐसा चमत्कार देख लिया उससे विश्वास, भक्तमाल कथा से विश्वास भगवान में बढ़ेगा, केवल ब्रह्मचर्य पालन करने से भगवान में विश्वास होगा। ये ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। हाँ, ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, बुद्धि बलवती होगी, स्मरण शक्ति तेज होगी, और आप जो है ऊर्जावान सदा बने रहेंगे, और सात्विकता का संचार होगा। ये सब बातें होंगी, साधना में सहायक होगा, बिल्कुल सहायक होगा। नींद और भोजन दोनों ही नपे तुले हो जाएंगे, बहुत लाभ है। आलस नहीं रहेगा, जवानी बरकरार रहेगी, 80 साल में भी दौड़ेंगे, ये सब लाभ है। और आध्यात्मिक लाभ भी होगा, क्योंकि ये सब लाभ होंगे तो उसका पर्यवसान अध्यात्म में होता है। लेकिन आपने विश्वास की बात की, भगवान का विश्वास तो महापुरुषों से आएगा, संतों से आएगा, सत्संग से आएगा, ग्रंथों से आएगा। हाँ, अब अगला प्रश्न है। अच्छा, इससे पहले है क्या क्या हमें भक्ति से पहले इसे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान तो देना चाहिए, हम चाहे गृहस्थ भी हो, चाहे कोई गृहस्थ भी हो, वहां भी जितना अधिक संयम करेगा उतनी अधिक अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होगा, तन मन दोनों दुरुस्त होंगे। जितना अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य कोई पालन कर सके, इसका लाभ ही लाभ है। लेकिन जबरदस्ती नहीं, आप कुछ भी खाए जा रहे हैं, उसके लिए कहा ना कि घास पात जे खात हैं तीन ही सतावे काम, और हलवा पूरी जे खात हैं तिनकी जाने राम। तो उसके लिए फिर हमारा आहार भी शुद्ध, यदि आप आहार शुद्ध नहीं करेंगे, सतोगुणी आहार नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आप मेंटल डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, हानि भी हो सकती है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो ये, आपकी अनिच्छा से भी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, स्वप्न दोष होगा। इसलिए हमको आहार पहले शुद्ध करना पड़ेगा, और रात्रि का भोजन त्यागना पड़ेगा, और साथ में बिल्कुल हल्का आहार करो, वो भी सात्विक ही, गर्म मिर्चे मिर्चे मसाले सब छोड़ने पड़ेंगे। कहा ना कि घास पात जे खात है, तो आप कहें मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं और अनाप शनाप कुछ भी खाए जाओ, संयम नहीं, तो नहीं कर पाओगे, उल्टा बीमार डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए हम अपने आहार पे शुद्ध आहार पे ध्यान दें, और साथ में हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए, और हमारा संग भी बढ़िया होना चाहिए। यदि संग बढ़िया नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ, इतना है कि जो कर पा रहे हैं वो भाग्यशाली है, शरीर से भी तंदुरुस्त रहेंगे, मन से भी तंदुरुस्त रहेंगे, बुद्धि से भी तंदुरुस्त रहेंगे, और उनमें औज बढ़िया, प्रसन्न चित्त, निरोगी काया, ये सब कुछ होगा, लाभ ही लाभ है। तो आपने कहा कि क्या हमें भक्ति से पहले इसे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम गृहस्थ भी क्यों ना, अधिक से अधिक संयम करें, लेकिन संयम करना चाहिए दोनों की राय हो तब, यानी कि एक पति पत्नी में एक पूर्ण संयम करे और दूसरा ना कर पाए, तो उससे होगा क्या, अपने भी हानि, घर में क्लेश होंगे, और हमारा जो पति या पत्नी होंगी वो उनका चरित्र दूषित तो होने का खतरा है। वो फिर जब घर प्रेम नहीं मिलता, फिर वो बाहर प्रेम ढूंढते हैं। इसलिए इसका भी हमको गृहस्थों को विशेष ध्यान रखना चाहिए।